नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मौत न बख्शेगी। मौत न बख्शेगी, लेखक आशीष चटर्जी, चित्रांकन विकास कुमार। पंडित बांके बिहारी की 10 साल की साधना अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। एक पहाड़ी गुफा में रहकर उसने तंत्र मंत्र सिद्धि हासिल की थी और अब काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए उसने सामने कुंड में रखी खोपड़ी को अपना खून पिलाना शुरू कर दिया था। चक चक चक, पंडित बांके बिहारी के होठ रह रहकर बुदबुदा रहे थे, जागो दर्शन दो प्रभु। अचानक खोपड़ी धीरे धीरे कुंड से ऊपर उठने लगी, चक चक चक। फिर कुछ और ऊंचाई पर पहुंचकर खोपड़ी हवा में स्थिर हो गई और सर्प किसी फुफकार निकालते हुए गुर्राई, और दे और दे, तू जितना लहू मांगेगा दूंगा, पर आज तुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। अगर तूने मेरी इच्छा पूरी न की तो तेरा यह भक्त अपनी जान दे देगा काल भैरव। इतना कह बांके ने खंजर से अपनी दाहिनी कराई की रग काट ली। खून फव्वारे की तरह बहता हुआ कुंड में टपकने लगा। हवा में टंगी खोपड़ी कुंड से खून पीने लगी। आह, अचानक खोपड़ी के इर्द गिर्द चमक उभर आई और देखते ही देखते कुंड से अग्नि की लपटें उठने लगी। बांके की कलाई से स्वयं ही खून की धार निकलनी बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद आग के उठती लपटों के बीच एक भयानक आकृति प्रकट होती हुई बोली, भक्त बांके, तेरी जीत हुई, हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए। बोल, तुझे क्या चाहिए? हम तुझे मुंह मांगा वरदान देंगे। मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु कि मैं कभी न मारा जाऊं। जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं है बांके। मैंने यह कब कहा प्रभु कि मैं अमर होना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि मैं मारा ना जाऊँ। मानव शरीर नश्वर है, जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले गंगा पुत्र देवव्रत को भी मरना पड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें अमर रहने का वरदान नहीं दे सकता। मैंने यह कब कहा प्रभु कि मैं अमर होना चाहता हूँ? मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि मैं मारा ना जाऊँ। अर्थात रोग, भूख, प्यास, आग, खंजर, चाकू, गोली या अन्य कोई भी मृत्यु का साधन मुझे मार ना सके। अर्थात तुम कोई ऐसी शक्ति चाहते हो जिसके रहते तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहे। हाँ प्रभु, आप मेरी यह इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं। अवश्य, परंतु भक्त यह मत भूल कि मौत किसी को नहीं बख्शती। जब तेरा अंतिम समय आएगा तो वह तेरी आत्मा को भी जिस्म से निकाल ले जाएगी। आप अपना वचन पूरा करें प्रभु, बाकी मैं मौत से स्वयं निपट लूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो हम अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। ले। फिर प्रकाश की किरण के लुप्त होते ही बांके को अपने पैरों के पास साधारण किस्म के गुर्गाबी जूते पड़े नजर आए तो वह चकित सुर में बोला, यह साधारण किस्म के जूते लेकर मैं क्या करूँगा प्रभु? ये साधारण दिखने वाले जूते अपने अंदर असाधारण शक्ति समेटे हुए हैं भक्त। जब तक ये जूते तेरे पैरों में रहेंगे तुझे कोई नहीं मार सकेगा। मरते ही तुझे अपना शरीर तुरंत पूर्व अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, परंतु एक मिनट तक तू किसी को नजर नहीं आएगा। और मेरा मृत विषिक्त पहला शरीर, 24 घंटे के अंदर कभी भी ऐसे अवसर पर जब कोई मानव निकट ना होगा तेरा मृत शरीर स्वयं लुप्त हो जाएगा। अर्थात हर बार मुझे नया शरीर नए जूतों के साथ वापस मिलता रहेगा। हाँ, किंतु ध्यान रहे भक्त, ऐसा तभी तक होगा जब तक ये जूते तुम्हारे पैरों में रहेंगे। तुम्हारे अलावा अगर किसी अन्य मानव ने ये जूते पहने तो जूतों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। समझ गया प्रभु, समझ गया। मैं इन जूतों को अपने पैरों से कभी अलग नहीं करूँगा। ये जूते तो मेरी जान है, मैं इन्हें अभी पहन लेता हूँ। पंडित बांके ने तुरंत पैरों में जूते पहन लिए। फिर उसने जैसे ही काल भैरव की ओर देखा वह चौंक उठा, ओह चले गए प्रभु। खैर कोई बात नहीं, अब मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है, मैं मौत को जीत चुका हूँ। हा 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 हा, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, न ही तो मेरा शरीर विषिक्त होगा और न ही कभी मेरा जूता नष्ट होगा। हर बार नए शरीर के साथ मेरे जूते भी नए हो जाएंगे। अब मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा, उन्हें बर्बाद कर दूंगा। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। 10 साल की कड़ी तपस्या के बाद यह मौका मेरे हाथ आया है। मैं अपने पिता की मौत को भूला नहीं हूँ। ठाकुर कहर सिंह ने
उन्हें चोरी के इल्जाम में फंसाया था। मुझे आज भी याद है वह सुबह जब पिताजी ने मंदिर के द्वार खोले थे तो ठगे से खड़े रह गए थे। भगवान की मूर्ति के जेवर गायब थे। हे भगवान, यह कैसी विडंबना है, इंसान को तुमने क्या नहीं दिया पर उसने तुम्हें भी नहीं बख्शा। ओह, कुछ देर बाद बांके अपने पिता को सकते की हालत से उबारते हुए बोला, पिताजी जेवर चोरी हो गए, अब क्या होगा। बेटे, तुम जाकर ठाकुर साहब को सूचना दो, वे ही कुछ करेंगे। जी पिताजी। बांके ठाकुर साहब को बुला लाया। तब तक कुछ और लोग भी मंदिर पर एकत्रित हो चुके थे। बांके के पिता मुकुट बिहारी ने ठाकुर को जेवर चोरी होने की जानकारी दी तो वह गरज कर बोला, मंदिर के ताले की चाबी तुम्हारे पास रहती है, इसलिए तुम ही बता सकते हो कि जेवर कैसे चोरी हुए। यह आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब, मुझे नहीं मालूम जेवर किसने चुराए और कैसे चोरी हुए। तुम सब जानते हो पुजारी, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जेवर लौटा दो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैंने वर्षों आपकी सेवा की है ठाकुर साहब, आप जानते हैं मैं चोर नहीं हूँ। चोर कौन है इसका पता पुलिस खुद लगा लेगी। और फिर ठाकुर कहर सिंह के आदेश पर एक ग्रामीण कोतवाल धर्मचंद को बुला लाया। कोतवाल ने बांके के पिता की एक न सुनी और उन्हें पकड़कर थाने ले गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बांके अपने पिता से जेल में मिलने गया तो उसके पिता सुबकते हुए बोले, मुझे नहीं मालूम था कि ईश्वर की सेवा करने का यह फल मिलेगा। यह दिन देखने से तो अच्छा था कि मुझे मौत आ जाती। दुखी मत होइए पिताजी, आप निर्दोष हैं, अदालत आपको बाइज्जत परी कर देगी। लेकिन अदालत में सरकारी वकील मिस्टर मेहता ने पंडित को चोर साबित करने में कोई कसर बाकी न रखी। जज महोदय ने अपना फैसला सुनाते हुए पंडित जी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। जज महोदय का फैसला सुन पंडित जी को गश आ गया, वे कटघरे में ही गिर पड़े। पिताजी, पंडित जी को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। अस्पताल में पंडित को कुछ देर के लिए होश आया। उस समय बांके उनके निकट आया, वे दर्द भरे स्वर में बोले, बेटे मैं चोर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ पिताजी, आपको फंसाया गया है, मैं असलियत का पता लगा कर ही दम लूँगा, आप दुखी मत होइए। दुख तो मुझे इस बात का है बेटे कि मैं इस दुनिया से कलंक का यह दाग लेकर जा रहा हूँ। परंतु बेटे वचन दो, तुम असली मुजरिमों का पता लगा कर उन्हें सजा दोगे, उन्हें कभी माफ नहीं करोगे। हाँ पिताजी, मैं वचन देता हूँ, मैं उन्हें सजा दूंगा। आपको बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे ईश्वर से भी टकराना पड़ा तो मैं टकरा जाऊंगा। बाकी की बात पूरी हुई थी कि पंडित जी की गर्दन एक तरफ ढुलक गई। यह एहसास होते ही कि उसके पिता का देहांत हो गया है, बांके फूट फूट कर रो पड़ा। फिर पिता का क्रियाकर्म करने के बाद बांके गांव वापस लौट आया। कुछ दिन बाद अचानक एक दिन उसने सरकारी वकील मिस्टर मेहता को ठाकुर कहर सिंह की हवेली की ओर जाते देखा। उसे शक हुआ, वह मिस्टर मेहता का पीछा करता हुआ हवेली में पहुंच गया और छुप कर ठाकुर और मेहता की बातें सुनने लगा। औपचारिकता निभाने के बाद ठाकुर बोला, कहिए वकील साहब, कैसे आना हुआ, आप शायद अपना वायदा भूल गए। कैसा वायदा? ओह, तो आप यह भूल ही गए कि आपने मुझे 10,000 रुपये देने का वायदा किया था। 10,000? लेकिन इतनी बड़ी रकम भला मैं आपको क्यों दूंगा? क्योंकि आपके कहने पर ही मैंने सफाई के वकील को अपने साथ मिला लिया था और निर्दोष पंडित को चोरी के इल्जाम में सजा दिलवा दी थी। अपराधी को सजा दिलवाने के लिए ही तो सरकार आपको तनख्वाह देती है वकील साहब। ओह, तो ठीक है, मैं उस केस की फाइल दोबारा खुलवा देता हूँ। फाइल खुलने से क्या फर्क पड़ेगा, पंडित बेचारा तो मर चुका है, उसे तुम्हारा कानून दोबारा जिंदा तो कर नहीं सकता। हंसो मत ठाकुर, यह ठीक है कि पंडित मर चुका है लेकिन तुम तो जिंदा हो, चोरी तुमने की थी, अतः चोरी का जुर्म साबित होते ही तुम जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। मिस्टर मेहता की धमकी सुनकर ठाकुर कहर सिंह ढीला पड़ गया। वह तुरंत अपना रवैया बदलते हुए बोला, वकील साहब आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। बड़ा भद्दा मजाक करते हैं आप। तब ठाकुर कहर सिंह हंसते हुए उठा और तिजोरी से 10,000 की गड्डी निकाल कर मिस्टर मेहता के सामने फेंकता हुआ बोला, लीजिए हमने अपना वायदा पूरा किया, अब आप भी अपनी जुबान बंद रखिएगा। ऑफ कोर्स। ठाकुर कहर सिंह और मिस्टर मेहता का वार्तालाप सुनने के बाद
बांकी अपने आप पर नियंत्रण न रख सका। वह कक्ष में दाखिल होते हुए चिल्लाया, ठाकुर तुम चोर हो, तुमने इस वकील के साथ मिलकर मेरे निर्दोष पिता की हत्या की है। यह कमबख्त यहाँ कैसे पहुँच गया? ओह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कमीनो, छोड़ मुझे हरामजादे, तेरी यह जुर्रत, चटाक, आह, अरे कोई है, शंभु, बिल्ले। तुरंत ही दो कदावर लठेत कक्ष में आ गए। हुकुम मालिक, इस हरामजादे पंडित को खत्म कर दो। दूसरे ही पल लठैत बांके पर पिल पड़े, तड़ाक, आह, लाठियों की मार ने बांके को जल्द ही बेदम कर दिया। ले जाओ इसे और नदी में फेंक दो। जो हुक्म मालिक। लठैत बांके को तुरंत उठाकर पहाड़ी पर ले गए और बहती नदी में फेंक दिया। बांके को जब होश आया तो वह एक गुफा में था। मैं कहाँ हूँ? तुम हमारी शरण में हो वत्स, हमने तुम्हें घायल हालत में नदी तट पर मूर्छित अवस्था में पड़े पाया था। 3 दिन बाद तुम्हें होश आया है। ओह भैरव बाबा की कृपा से तुम बच गए। बांके तुरंत बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया है, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे वत्स, उठो। और फिर जटाधारी बाबा ने बांके को अपना शिष्य बना दिया। तत्पश्चात बाबा ने बांके को तंत्र मंत्र आदि की शिक्षा दी और मरते वक्त अपना चोगा बांके को सौंपते हुए बोला, अपना तपोबल तुम्हारे सुपुर्द कर, मैं यह शरीर त्याग रहा हूँ वत्स, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम पूरी सिद्धि हासिल करोगे, मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बाबा ने बांके को आशीर्वाद देने के बाद शरीर त्याग दिया। और आज 10 साल बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी मुराद पूरी हुई। अब देखता हूँ ठाकुर कहर सिंह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसी समय बांके रतनपुर गांव की ओर चल पड़ा। 2 दिन और 2 रातें चलने के बाद वह रतनपुर के उस प्राचीन मंदिर के द्वार पर जा पहुँचा जिसके कभी उसके पिता पुजारी थे। वहाँ एक युवा पुजारी पूजा कर रहा था। बांके को देखकर वह आदरपूर्ण स्वर में बोला, महाराज भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। नहीं, पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे भगवान को नकली जेवर किसने पहनाए हैं? नकली? पुजारी चौंका, फिर शांत स्वर में बोला, आप तो महाज्ञानी हैं बाबा, आपसे क्या छुपाना। मंदिर से असली जेवर चोरी होने के बाद ठाकुर साहब ने मेहरबानी करके ये जेवर शहर से मंगवा कर भगवान को पहना दिए और मुझे इस मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। तो क्या तुम भी यही समझते हो कि भगवान के जेवर पंडित मुकुट बिहारी ने चोरी किए थे? मैं क्या, सारा गांव यही कहता है। झूठ, झूठ कहता है सारा गांव। पंडित मुकुट बिहारी निर्दोष थे, भगवान के जेवर ठाकुर ने चोरी किए थे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, ठाकुर और चोर? हाँ ठाकुर ही चोर है, मैं वे जेवर मूर्ति के शरीर पर वापस पहुंचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। आप ठाकुर साहब पर उंगली उठाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए महाराज, ठाकुर के लठैत आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर के आदमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं अमर हूँ। हा हा हा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना पुजारी, लो देखो। खचाक, नहीं। दूसरे ही पल पुजारी के सामने बांके की लाश पड़ी थी। यह आपने क्या मूर्खता कर डाली महाराज, स्वयं अपनी जान ले ली। लेकिन 1 मिनट गुजरते ही बांके बिहारी पुजारी की बगल में प्रकट होता हुआ मुस्कुराकर बोला, व्यर्थ दुख न करो पुजारी। ऐं? पुजारी चौंका। बांके बिहारी को सकुशल सामने खड़े देख उसकी आंखों में आश्चर्य के गहन भाव लहरा उठे। आप? मैं जीवित हूँ पुजारी। लेकिन यह लाश मेरी है। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सपना नहीं, सच्चाई है, मेरी 10 वर्षों की तपस्या का फल है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।